Myself, Lavina Vano, Senior Lecturer, HOD, Interior Decoration, Government Women Polytechnic College, Jodhpur. Last class के अंदर हम लोगों ने किचन की sizes बताई थी. किचन कितने types के होते हैं, किचन की height क्या होती है upper और lower counter की, और उसको कितने भागों में बांटा जाता है. जब हम उसको पांच भागों में बांट देते हैं तो question हमारे सामने आता है कि उनके एक एक का area हम कितना रखें. जैसे कि हमें जब सिंक रखना है तो हम सिंक का क्या साइज दें, गैस जहाँ रखी जाती है उस गैस का क्या साइज दें, रेफ्रिजरेटर रखा है उसका क्या साइज दें. तो डिपेंड करता है कि हमारे साइज किस तरीके से हम प्लान के अंदर दें. जहाँ पर हमको रेफ्रिजरेटर रखना होता है उसके 4 इंच इधर राइट में, 4 इंच लेफ्ट में और 4 इंच बैक में हमें छोड़ना होता है. तो 30 इंच to 36 इंच हमें रेफ्रिजरेटर के लिए रखना होता है. उसके पश्चात सिंक के अंदर हमें 36 इंच का एरिया रखना होता है. अगर सिंगल में है तो 24 इंच का आ जाएगा और डबल में है तो 36. अब इसके राइट में, सिंक के राइट में 18 इंच to 36 इंच रखना है. लेफ्ट में हमारे को 18 to 21 इंच रखते हैं. आजकल डिश वॉशर भी लगाया जाता है किचन में, तो हमें सिंक से 18 to 36 इंच छोड़ने के पश्चात हम डिश वॉशर को लगा सकते हैं, ताकि इनका जो हम इलेक्ट्रिक लेआउट करेंगे तो इनका पास पास में रहेगा और वाटर सप्लाई भी एक ही दिशा में चलेगी. उसके पश्चात आता है गैस के लिए. तब गैस के लिए हमें 36 इंच रखनी है और उसके राइट एंड लेफ्ट में 30 to 36 इंच मिनिमम हमें रखना होता है. सर्व एरिया के लिए 36 इंच to 48 इंच सर्व एरिया के लिए रखा जाता है. मिक्स एरिया में हमारे को माइक्रोवेव, मिक्सी, टोस्टर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो हम ऊपर यहाँ पे टॉप पे रखेंगे. ये इसकी डॉटेड जो लाइन है वो इसका अपर यूनिट के लिए है. लोअर यूनिट में हमने यहाँ डॉटेड लाइन लगाई है कि जो हम बास्केट देंगे वो 18 इंच की, 21 इंच की, 36 इंच की और 24 इंच की. इस तरीके से हम नीचे लोअर बास्केट देंगे. अगर दो व्यक्तियों के काम करने के लिए, ये तो यू शेप की किचन और बड़ी साइज है, लेकिन अगर मान लीजिए छोटी किचन है और उसमें अगर हम दो व्यक्ति काम करने हैं तो हमें 48 इंच रखनी होती है. तो इस तरीके से हम इसका प्लान करेंगे और हर एक चीज़ के लिए इसका एरिया डिसाइड करेंगे. किचन के जहाँ पर हम गैस को रख रहे हैं इसके ऊपर चिमनी रखेंगे, जो हम बात करेंगे कि चिमनी कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी कंपनी की आती है और कौन से साइज़ की आती है, क्योंकि चिमनी लगाना बहुत ही आवश्यक है. किचन में चिमनी कंपलसरी होती है. चिमनी को धुआंकस भी कहते हैं और पहले मकान बनाते समय ही किचन में चिनाई करते समय धुआंकस पत्थर की चिनाई से बनाई जाती थी. चिमनी एक संरचना है जो गर्म गैसों या धुएं आदि को बहुत ऊपर वायुमंडल में छोड़ने के लिए बनाई जाती है. भारत में ऑयल ज़्यादा काम में लेते हैं. ऑयल दीवारों पर जम कर चिकट जाती है. चिमनी में जाली लगी रहती है और पंखा व फिल्टर लगा होता है जो धुआं, ऑयल, स्मेल को सक करती है और बाहर फेंकती है. चिमनी कई तरह की होती है. स्ट्रेट लाइन चिमनी, ये बजट में कम वह सक्शन पावर 750 होता है. दूसरी हुड फिल्टर, इसमें बड़े फिल्टर होते हैं, 800 से 1100 सक्शन पावर. थर्ड ग्लास लाइन चिमनी, सिंगल फिल्टर व डबल फिल्टर इसमें होता है, 1000 से 1200 सक्शन पावर होता है. नेक्स्ट फोर्थ ग्लास विद ऑटो क्लीन चिमनी, इसमें मोटर को साफ करना मुश्किल होता है, इसकी मेंटेनेंस मुश्किल पड़ती है. डेकोरेटिव चिमनी,
नेक्स्ट, ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है, सक करने की पावर कम होती है इसमें, बहुत कम ऑयल का खाना या उबला खाना जहाँ बनता है वहाँ पर इसको लगाई जाती है। चिमनी के साइजेस, चिमनी 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। दो बर्नर वाले गैस पर 60 सेंटीमीटर की चिमनी लगाई जाती है, और अगर दो बर्नर से ज़्यादा है तो उस पर 90 सेंटीमीटर तक की चिमनी को लगाया जाता है। चिमनी 2 फीट 6 इंच की ऊंचाई पर लगाई जाती है। चिमनी क्लैंप से फिट की जाती है। इसका पाइप 4 इंच डाया का होता है, 2 फीट से 3 फीट लंबाई है, तो 800 से 1000 सक्शन पावर की चिमनी लगाई जाती है। यदि 4 फीट से 10 फीट की लंबाई है तो 1100 से 1200 सक्शन पावर की चिमनी लगाई जाएगी। एलिका कंपनी अच्छी है, ऑरोबिक कंपनी, बॉश कंपनी आदि अच्छी है, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी होती है। किचन प्लानिंग में क्वेश्चन आता है, किचन टॉप कौन से स्टोन का हो। किचन टॉप के लिए ग्रेनाइट को सरदार माना गया है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं होते हैं, साफ़ करने में इजी रहता है। जैसे जैसे साफ़ करते हैं ये चमकता रहता है, इसकी इजी मेंटेनेंस रहती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चल सकता है। दक्षिण भारत का ग्रेनाइट सबसे अच्छा होता है, और अधिकतर ग्रेनाइट ब्लैक कलर का लगाया जाता है। नेक्स्ट मटेरियल है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स एक आर्टिफिशियल ग्रेनाइट स्टोन होता है, ये कई कलर में आता है, किचन के कलर के अनुसार इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है G5। G5 एक किचन टॉप मटेरियल है। यदि पूरी किचन वाइट बनाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं, ये एकदम वाइट होता है। G5 चाइना से इंपोर्ट होता है, पहले G3 G4 आता था, वो कटिंग करने में मुश्किल होता था। G5 को आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन गर्म बर्तन को काउंटर पर ध्यान से रखना चाहिए, हल्दी चिकनाई के निशानों का ध्यान रखना पड़ता है, इसकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है। कोरियर मटेरियल एक टॉप मटेरियल है, ये एक्रेलिक शीट से बना होता है, इसको मोल्ड कर सकते हैं, कोई भी शेप इससे दिया जा सकता है, इसलिए डेकोरेटिव शेल्फ बनानी है या दीवार पर वॉल यूनिट बनाना है आदि में इसको काम में लिया जा सकता है। मार्बल टॉप पर मार्बल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हल्दी चिकनाई के निशान साफ़ नहीं होते हैं और छोटे छोटे से कुछ समय में छिद्र हो जाते हैं। यदि मार्बल लगाना है तो हम ग्रीन कलर का मार्बल लगा सकते हैं, क्योंकि बजट के अनुसार भी वो ठीक रहता है। इटालियन मार्बल को टॉप के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ब्लैक कलर के ग्रेनाइट को हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। इस तरह से हम इन मटेरियल्स को लगा सकते हैं। सिंक टॉप काउंटर के साथ ही सिंक लगाई जाती है। सबसे अहम चीज़ यानी सिंक सुविधाजनक होने के साथ स्टाइलिश होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग स्टेनलेस सिंक को पसंद करते हैं, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन के शेप के अनुसार लगवा सकते हैं। सिंक परफेक्ट वह रहता है जिसमें जमा गंदगी आसानी से साफ हो जाए, लो मेंटेनेंस हो। टाइप्स ऑफ सिंक, अंडर माउंट सिंक अंदर की तरफ फिट की जाती है, सफाई करने में आसानी रहती है। ड्रॉबिन सिंक स्टेनलेस स्टील की होती है, टॉप काउंटर को कट करके लगाई जाती है, किसी भी प्रकार के काउंटर टॉप पर लगाई जा सकती है।
एप्रन सिंक, इसका चलन अभी बहुत ज़्यादा है। इसको फार्म हाउस सिंक भी कहते हैं। स्पेस ज़्यादा मिलता है, लुक वाइज अच्छी रहती है। लो डिवाइडर सिंक, हाफ सिंक में डिवाइडर होता है। ड्रेन बोर्ड सिंक, एक तरफ सिंक व दूसरी तरफ वाटर ट्रैपर होता है। जितना एक्स्ट्रा बर्तन में पानी होता है वह नीचे जमा हो जाता है। कॉर्नर सिंक, ये बहुत कम यूज़ में ली जाती है। सिंक के साइजेस 24 इंच बाय 18 इंच बाय 10 इंच, 41 इंच बाय 20 इंच बाय 8 इंच, 36 इंच बाय 20 इंच बाय 10 इंच, 8 इंच टू 10 इंच इसकी गहराई होती है। 18 इंच टू 20 इंच सिंक की चौड़ाई होती है। सिंक की लंबाई किचन की साइज़ व आवश्यकता के अनुसार होती है कि डबल सिंक लेना है, सिंगल लेना है, ड्रेनर लेना है, किस टाइप का लेना है। सिंक की कंपनी हेलमेडन सिंक कंपनी, अनुपम किचन कंपनी, आईपीटी कंपनी, स्लिक कंपनी आदि। थैंक यू।